कलेक्टर साहब का चक्कर लगाते हुए कि हम हमारी मतलब कॉलोनी को मतलब एडी में कवर करे और मतलब पट्टे देवे। अपने घर को खूबसूरती से सजाइए, आइए पर्दे वाला द फर्निशिंग बुटीक। यहाँ है डी डेकोर जैसे टॉप ब्रांड्स, कर्टन और सोफा क्लोथ, स्लीप वेल मैट्रेसेस एवं फोम्स, साथ ही इंडिया सर्कस के होम डेकोर आइटम्स की विशाल रेंज। पर्दे वाला LIC कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर। मामला हमारा है कि हमारे पट्टे की पहले तो प्रॉब्लम है, दूसरी ये की हमारी लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पक्की सड़के नहीं है और कचरा पात्र नहीं है। भैया ये हमारे अरशद भैया जो इस गली के लिए पूरे मोहल्ले के लिए बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इनके साथ साथ हम आए हैं। हमें सुविधा चाहिए वहाँ पे उस गली में। हमारी साथी तो ऐसी हालत हो जाती है कि समझ लीजिए आप वहाँ से अपने घर से निकल नहीं सकते, पूरे घरों में पानी घुस रहे हैं, कीचड़ बहुत हो रही है वहाँ पे। अच्छा अभी जब बारिश नहीं है आप बता रहे हो, हालत आप चल के देख लो हमारा, बिल्कुल एक बार सर्वे हो तो सबके नज़र में आए, सर्वे भी नहीं होती है वहाँ पे, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है हमारे। अच्छा, इससे पहले अभी बहुत बार दे चुका भैया, बहुत बार दे चुके हैं, ग्राम पंचायत में दिया हुआ है, हर जगह दिया हुआ, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। निषाद सर, एकता नगर सोमलपुर से आए हैं हम पूरे कॉलोनी वासी, एकता नगर सोमलपुर से आए हैं। हमारी कॉलोनी की समस्या है, हम लोग 7 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, ना हमारे कॉलोनी में पक्की सड़कें हैं और ना ही ड्रेनेज सीवेज लाइन है, ना ही नाला नाली है, ना ही पानी की पाइपलाइन है, ना ही स्ट्रीट लाइट है, ना ही कचरा पात्र है। तो हमारी ये सोमलपुर की 11-12 कॉलोनी जो ऐसी है वो एग्रीकल्चर प्लॉट पे बसी हुई है, कृषि भी बसी हुई है। तो हम लोग सरकारी ज़मीन पर घर बना के नहीं रह रहे और ना ही किसी की ज़मीन पर कब्जा करके रह रहे हैं। 1.5 लाख रुपये हमने 2-2 लाख रुपये रजिस्ट्री के दिए हैं। अब रजिस्ट्री कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफिसर करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है। तो 2-2 लाख रुपए देकर हमें रजिस्ट्री कराई है, तो क्यों हमारी कॉलोनियों को विकसित नहीं कर रहा है? तो हमारी 11-12 कॉलोनी जो ऐसी है कृषि भूमि बसी हुई है, तो उसके लिए हम कलेक्टर साहब के साथ साथ से चक्कर लगा रहे हैं, मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी कॉलोनी में मतलब AD से पट्टे मिले, नियमन होकर पट्टे मिले। ओके, पट्टे मिले, पट्टे मिलने के बाद कहते हैं पक्की सड़कें बनाई जाए, ड्रेनेज सीवेज लाइन डाली जाए, नाला नाली बनाई जाए, पानी पाइपलाइन डाली जाए, स्ट्रीट लाइट लगाया जाए, कचरा पात्र लगाया जाए। हमारे ना पक्की सड़क है, जिसकी वजह से हमारा डेली आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। ऐसा एक दिन भी जाता नहीं है कि मतलब किसी चोट नहीं पहुंचता, इंजरी नहीं आती है, क्योंकि सड़क ही नहीं है। हमारी एकता नगर जो कॉलोनी है, 11-12 कॉलोनी है, ये सोमलपुर के अंदर आती है। ये पूरी 12 कॉलोनी कृषि भूमि बसी हुई है, तो कृषि भूमि बसी हुई है, एग्रीकल्चर प्लॉट बसी हुई है, तो ये खातेदारी प्रॉपर्टी है। खातेदारी प्रॉपर्टी पे पंचायत विकास का काम नहीं कर सकती है, पंचायत विकास का काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि लोग जिन्होंने कॉलोनियाँ काटी ना, कॉलोनी काटकर सब हट चले गए लोगों ने, तो जिन्होंने कॉलोनी काटी ना वो NOC नहीं देते पंचायत को। तो पंचायत ने हमारे ऑलरेडी AD को लिख के दिया है कि 11-12 कॉलोनी है, इसमें हम विकास का काम नहीं कर सकते। तो AD को लिख के दिया है आयुक्त को कि आप इनको अपने अंडर में लेवे और सबको नियमन करा के सबको पट्टे देवे, पट्टे देने के बाद विकास का काम करें। तो हमने 15-20 फाइल भी लगा रखी है हमने हमारी कॉलोनी से नियमन के लिए, तो हमारे फाइल भी अप्रूव नहीं हो रहे हैं, नए पट्टे मिल रहे हैं। तो ये बात है, AD की रिक्वायरमेंट है नियमन के लिए 60% आबादी होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट आबादी के लिए नियमन के होने के लिए। तो हमारी जितनी कॉलोनी ना, इस सब की आबादी 80-100% के बीच में है, जो मतलब नियमन की सीमा से अधिक है, तो फिर भी हमारे पट्टे नहीं मिल रहे हैं। अरशद अंसारी नाम है मेरा, नगर वासी सब आए हुए हैं, इनके समस्या एक ही है कि अगर हम रजिस्ट्री और उसका वो कराते हैं तो गवर्नमेंट जो रजिस्ट्री पे अमाउंट और वो ले रही है रजिस्ट्री का, वो शहरी अमाउंट ही जमा कर रही है गवर्नमेंट। दूसरा, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है, विकास के नाम पर सब उतना है, कॉलोनी वासी सारे परेशान हैं। यहाँ ना तो सड़क है, आने जाने का कोई सुविधा है, रात्रि में अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, पानी की समस्या अलग है, कचरा पात्र नहीं है। तो ये सब समस्याएँ गवर्नमेंट इसमें एक पट्टा दे दे और ये ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में थोड़ा विकास हो इनका। कितने टाइम से कलेक्टिव के चक्कर काट रहे हैं सर? करीब 7 वर्ष हो गए हैं यहाँ, कभी कई अधिकारी आए, कई चले गए, कई कलेक्टर आए, कई चले गए, कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, विकास ये हुआ जो अर्जी का बंडल है वो 4 किलो से ज़्यादा का रद्दी का बन गया, और कुछ विकास तो मुझे दिखा नहीं इधर। मेरा नाम विक्रम मल्होत्रा।